सकता है, सवाल पूछते हो। सवाल सिर्फ इतना था कि हम गोडसे और गांधी को एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तो तथाकथित पत्रकार, उनकी भी लिस्ट तैयार करो ना जो रोज हिंदू मुसलमान करवाते हैं। सूचना नहीं, मजाक बात नहीं है, ये सूचना मंत्रालय ने बकायदा एडवाइजरी जारी की, उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, रोज हिंदू मुसलमान की डिबेट्स होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या ऐसे तथाकथित पत्रकारों की लिस्ट भी तैयार होगी जैसे आपने अपने नेताओं की लिस्ट तैयार की जो रोज हिंदू मुसलमान? ये आपका काम है तिलक जी, ये आपका काम है, हमारा नहीं। ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम है। तिलक जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है, उसके बावजूद इस तरह की डिबेट्स होती हैं, ये मेरा काम है सर। आपके पूर्वज ने किसने लड़ी है इसको? आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। किसने लड़ी है इसको? आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। अरे चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। बताओ ना किसी भाजपा नेहरू ने नहीं लड़ी थी? इंदिरा गांधी ने नहीं लड़ी? प्रमुख साहब ने कहा कि भैया नेहरू ने थोड़ी ना लड़ाई लड़ी है देश की आजादी की, यही कहा था ना प्रमुख साहब आपने? हाँ जी, अब भी कह रहा हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आपने पढ़ा कि नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा आपने? यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब नेहरू जी ने बनाई। सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, बीजेपी के 38 नेता पिछले 8 सालों में 2700 हेट स्पीच दे चुके हैं और इन हेट स्पीच से देश का ब्लड प्रेशर बढ़ा है। कितने 38 नेता आपके जो लिस्ट तैयार की है बीजेपी ने, जो